बाबा नीम करोड़ी दर्शन के पश्चात हम लोग आए थे नैनीताल में, यहाँ की वादियों में मौज करने। लेकिन पहुँचने के बाद पता चला यहाँ काफी भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण हम लोग भी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। कुछ लोग अभी निकलने का माहौल बना रहे हैं, लेकिन अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। अभी थोड़ी बारिश थमी है, जिसको देखते हुए हम लोग भी बाहर निकलेंगे। फिर आगे जो भी होगा हम दिखाएंगे, क्योंकि अभी बारिश थोड़ा बहुत कम हुआ है, सारे भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर फोन बारिश ज्यादा हुए तो नहीं यूज कर पाएंगे, कि भीगने का डर रहेगा। एक ही फोन है मेरे पास, तो अभी निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं और निकल लिए, जिससे लग रहा है बारिश कम हुई है। लेकिन यहाँ का जो मौसम है काफी शानदार है। आप देख रहे हैं ये जो फॉग टाइप का दिख रहा है, फॉग नहीं है, आसमान है। आज हम लोग अंबर आसमान से टकरा गए हैं, मुलाकात हो गई है, जिसको बादल भी बोलते हैं। हमारे साथ दो यजमान जी साहब भी हैं, काफी खतरनाक और हैवी ड्राइवर भी हैं। टूर के साथ चलते हैं और देखते हैं आगे कैसे क्या क्या होता है। आप सब कुछ दिखा रहे, काफी शानदार सीन है। निकलने का प्रयत्न, देखिए किस तरह निकाले जा रहे इधर से। बंधु लोग किस तरह निकल रहे हैं। ये इंडिया का बॉर्डर है, नेपाल का या पाकिस्तान का है? हमें पाकिस्तान का बॉर्डर। आसमान में चलते हुए काफी मनोरंजन आ रहा है। लेकिन यहाँ की सीढ़ी आप देख रहे हैं, स्लोप टाइप की सीढ़ी है, काफी भयानक। अगर थोड़ा भी चुके तो दांत हाथ में होगा। दिखा दो और आगे आप समझदार हैं, समझ जाएंगे क्या होना चाहिए। देख रहे हैं किस तरह से निकल रहे हैं, काफी सावधानी से निकलना पड़ेगा। जो आप खतरनाक सीढ़ी देखे थे, वहां से लोग नीचे आ गए हैं और उसके बाद एक और खतरनाक, महा खतरनाक मिला है। आपकी गिर पे तो दांत नहीं, सीधे मोड़ ही टूटेगा। फिलहाल नीचे चल रहे हैं लेकिन आराम चल रहे हैं। ढेर बना रखी है आप लोग भी, आगे क्या क्या होता है सब कुछ पता चलेगा। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग आज रास्ते में पहुंचे हैं, गाड़ी वहां पार्किंग करने के बाद यहां हम लोग आए। काफी ट्रैफिक है, पैदल तो है ही है, साथ में गाड़ियों का भी ट्रैफिक है। फिर भी आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग हम दर्शन करवाएंगे, बेफिक्र रहिए, आप हमारे साथ हैं। जैसे कि अभी हम लोग ग्राउंड में पहुंच गए, यहाँ पे भी पार्किंग है, लेकिन यहाँ पार्किंग फुल होने की वजह से हमको पार्किंग यहाँ नहीं मिली। 1 किलोमीटर दूर पार्किंग हम लोग को मिली थी। तो अभी जो आप वहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर का, उधर वही नैना माता जी का मंदिर है, तो हम लोग वहीं पे चल रहे हैं। आपको दिखाएंगे कैसे मंदिर क्या बना हुआ है। अभी हम लोग मेन प्रवास के पास पहुँच चुके हैं। ये प्रांगण जो है, इस साइड में गुरुद्वारा जो आप देख रहे हैं गुंबद ऊपर, और इस साइड में माता जी की मंदिर है। तो पहले हम लोग चलेंगे माता जी के मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद गुरुद्वारा में चलेंगे। और आप लोग वीडियो अक्सर बने दी, अगर लाइक ना किए तो लाइक कर दीजिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक भी कर दीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफी तूफानों से लड़के बादलों को चीरते हुए हम लोग माता जी के परिसर प्रवेश द्वार के पास पहुंच गए। अभी इसके अंदर हम लोग जाएंगे, अगर फोन अलाउ होगा तो हम लोग आपको बारीकी से दिखाएंगे, फोन अलाउ नहीं होगा क्योंकि कुछ जुगाड़ किया जाएगा, भारतीय हैं हम लोग।